अब बात करेंगे चंपई सोरेन को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चिट्ठी लिखकर अपने दिल का दर्द बयां कर दिया है और उन्होंने लंबी सी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, उनका तिरस्कार किया गया और मजबूरन वो जेएमएम छोड़ने को मजबूर हो गए। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, चंपई सोरेन ने अभी तक बीजेपी का दामन नहीं थामा है और उन्होंने अपनी चिट्ठी में यही लिखी है कि बस उनके पास तीन विकल्प थे, या तो वो राजनीति से संन्यास ले लेते या फिर अपनी एक अलग राह बनाते, कुछ साथियों को लेकर चल पड़ते या फिर जो किसी दूसरे की राह में शामिल हो जाते। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा किया है और यह साफ कर दिया है कि जेएमएम से उनका मोह भंग हो चुका है और जिस तरह से उनका तिरस्कार किया गया था, विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और एक सवाल उन्होंने उठाया है कि अगर मुख्यमंत्री उस वक्त चंपई सोरेन थे तो उनके जो कार्यक्रम थे, युवाओं को नियुक्ति पत्र देना था, दुमका में कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करना था, तो उनके कार्यक्रम कैसे रोक दिए गए? आखिर विधायक दल की बैठक, उन्हें ही एजेंडा नहीं पता था। अब विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार उनका था लेकिन विधायक दल की बैठक बुला दी जाती है और उन्हें ही पता नहीं होता है। आप देखिए वो चिट्ठी में लिख रहे हैं, कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है लेकिन उनके पास यही नहीं पता था। उन्होंने साफ लिखा है और उनके बयान से भी समझा जा सकता है, एक दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, एक तरह से कहा जा सकता है, देखिए चंपई सोरेन को लेकर लगातार हम ये चर्चा कर रहे थे कि अगर वो बीजेपी में जा रहे हैं, अगर उनके घर से झंडा हट गया, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी जेएमएम का लोगो हटा लिया गया तो मायने क्या है, क्योंकि वो बार बार बीजेपी में जाने की बात से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से वो एक सहज सरल व्यक्ति रहे हैं और कभी दांव पेच में वो नहीं उलझे, तो उन्होंने एक बार सब कुछ साफ कर दिया है और ऐसा लगता है कि चिट्ठी में अपना दिल चीर कर अपने दर्द को जनता के सामने रख दिया है। मदन, बिल्कुल, देखिए अपने राजनीतिक सफर के पूरे उस दास्तान को उन्होंने व्यक्त किया है। जिस तरह से वो कहते हैं कि हम कभी भी सत्ता के लोभ में नहीं रहे, कभी कुर्सी के लिए हम रत्ती भर लोभ नहीं किए, ऐसे में उन्होंने कहा है कि आज जनता के मन में कई सवाल जरूर उमर रहे होंगे, जो समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर समाचार के माध्यम से जो चीज़ें देख रहे हैं तो जनता के मन में कई सवाल होंगे, तो उसके जवाब हम इस पत्र के माध्यम से लोगों को देते हैं। दरअसल देखिए, जब ये चीजें शुरू हुई थी तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ना कुछ उलटफेर हो सकता है। और देखिए राजनीति में जब तक चीजें सामने नहीं आ जाए तब तक लोग जो है बहाने बनाते रहते हैं। दरअसल ठीक इसी तरह से अगर चंपई सोरेन के दो बयान को देखें आप, परसों जब वो जमशेदपुर में बयान दिए थे और कल जब वो रांची में बयान दिए थे, तब वो सीधे तौर पर कभी भी ये इनकार नहीं किए हैं कि हाँ हम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जहाँ थे वहीं हैं, तो ये तो माना ही जाता है कि जब तक कोई राजनीतिक जो दल के लोग होते हैं वो जब तक किसी दूसरे दल का दामन नहीं थामते हैं तब तक वो उसी दल का माने जाते हैं, या फिर कोई पहले इस्तीफा ना स्वीकार कर लिया जाए, इस्तीफा दिया और पार्टी ने स्वीकार कर लिया तब तक उस दल वो नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे में चंपई सोरेन ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे, वो सिर्फ इतना ही कहते रहे कि हम जहां थे वहीं हैं। लेकिन अब जो ये पत्र सार्वजनिक रूप से सामने आया है, इसमें चंपई सोरेन ने अपने उस दर्द को बयां किया है जो उनके ऊपर बीता है। वो कह रहे हैं कि हम अपने आंसुओं को घूंट घूंट कर पीते रहे जब उनका अपमान हुआ, और अपमान किस तरह से हुआ वो इस पत्र के माध्यम से बताया है कि जब भी पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसका सही तरीके से निर्वहन किया, लेकिन एक अचानक जो घटना घटी, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए और उन्हें फिर विधायक दल का नेता चुना गया, और फिर जब हेमंत सोरेन जेल से आए तब अचानक उनको ये कहा गया कि आपको जो है मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल कुछ कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना है। ऐसे में वो ये कहते हैं कि ये कहाँ से जायज़ था कि बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है और फिर विधायक दल की बैठक बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के बुला लिया जाता है। इसे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरे पास तीन विकल्प थे, या तो मैं संन्यास ले लेता, या तो मैं फिर अपनी पार्टी खड़ा कर लेता, या फिर उस रास्ते पर उसके साथ चलता जो इसको जो आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकता है। तो उन्होंने सीधे तौर पर एक इशारा जरूर दिया कि तीसरा विकल्प को वो चुनने के लिए जो है मजबूर हैं, और इसके लिए मजबूर वो कह रहे हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि पार्टी के लोगों ने कहा, लोगों ने किया है। दरअसल वो बताते हैं कि अब हम जाएँ तो जाए कहाँ, विकल्प कोई बचता नहीं, क्योंकि जो शीर्ष हैं जिनके साथ वो संघर्ष किए थे, यानी कि गुरु जी के पास
जाकर के वो अपना दर्द बयां कर सकते थे, तो गुरुजी अब अस्वस्थ हैं, उनका कुछ चलता नहीं पार्टी में, ऐसे में ऐसे निर्णय पार्टी से अब आ रहे हैं जो सर्वमान्य नहीं है। जी बिल्कुल मदन, उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक और बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जिस दल को मैंने जीवन भर सींचा है मैं उसे तोड़ने या कमजोर करने की नहीं सोच सकता। तो लगातार कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन अपने साथ कई विधायकों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये जो अंतिम लाइन उन्होंने लिखी है इसके मायने क्या लगाए जा सकते हैं? देखिए ये बात है जरूर कि चंपई सोरेन अभी तक इस लाइन से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकेले ही अभी फिलहाल जो है दूसरे दल में जा रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से चर्चा है कि और भी अगर चंपई सोरेन अपमानित हुए या वो अपना अपमान बयां कर रहे हैं तो फिर और भी कई विधायक होंगे जिन्हें अपने बात को सही तरीके से रखने का मौका नहीं मिलता है, तो वो भी चंपई सोरेन के साथ जा सकते हैं। देखिए दूसरा बड़ा चेहरा होगा जेएमएम का जो बीजेपी का दामन थामेंगे, पहला जो सीता सोरेन है वो भी पार्टी के इस फैसले पर ही आपत्ति व्यक्त करते हुए बीजेपी का दामन थामी थी। वो कह रही थी कि हमें कई बार अपमानित किया गया, वो कह रही थी कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, अब हम किसे सुनाए, गुरुजी का चलता नहीं, गुरुजी के बातों को कोई मानता नहीं। तो ऐसे में जब एक तरफा फैसले लिए जाते हैं तो वो इस पार्टी में नहीं रह सकती, ये कहते हुए वो बीजेपी का दामन थामी थी। अब चंपई सोरेन भी वही बात कह रहे हैं कि पार्टी जो है सिर्फ अपने कुछ लोगों के फैसले को ही मानती है, जो सार्वजनिक फैसले होने चाहिए उसे नहीं सुनाया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसे नज़रअंदाज किया जाता है। तो ऐसे में अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। फिलहाल उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि हम बीजेपी का ही दामन थामेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने वाले जो साथ मिलेंगे हम उसके साथ जाएंगे। तो ज़रूर ये इशारा बीजेपी की ओर ही होता है, और बीजेपी के नेता लगातार उस समय से इस बात को हवा देने में जुटे थे जब से हेमंत सोरेन चंपई सोरेन से इस्तीफा लिए और फिर उसके बाद खुद मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए थे। तो ऐसे में उसके बाद से लगातार बीजेपी उसे घेरने में जुटी हुई थी कि आखिर हेमंत सोरेन जो है वो परिवारवाद की पार्टी चला रहे हैं, सिर्फ अपने ही परिवार में सत्ता को रखना चाहते हैं, अपने परिवार से बाहर सत्ता को नहीं जाने देंगे। तो ऐसे में चंपई सोरेन को इसीलिए मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। तो ये बातें जो है जरूर चंपई सोरेन के दिल में कहीं ना कहीं चुभी थी और इसको लेकर के वो इंतजार में थे कि कब एक उचित मौका मिले और उचित निर्णय लिया जाए। तो यही लगता है कि अब चंपई सोरेन को लग रहा है कि बस सही वक्त आ चुका है, सही फैसला लिया जाए। हाँ मदन, एक सवाल देखिए यहाँ ये भी उठता है, उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इस बारे में अभी तक रहस्य बरकरार है। देखिए उन्होंने जब लोगो हटा लिया अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से, जेएमएम का झंडा उनके घर से हटा लिया गया है, उसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी भी जारी कर दी है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, या फिर अब वो हो सकता है कि जेएमएम की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिशें चल रही होंगी लेकिन अब शायद कुछ बचा नहीं, तो अब जेएमएम की तरफ से भी उनके इस्तीफे की बात को उजागर किया जाए। देखिए अब ये बात ज़रूर है कि चंपई सोरेन का जेएमएम में कद छोटा है, अगर आप चंपई सोरेन को जेएमएम में छोटा मानेंगे तो उनसे बड़ा अभी जो है जेएमएम में कोई बचा नहीं है। मेरे समझ से और मेरे जानकारी के हिसाब से चंपई सोरेन जो है सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर अभी जेएमएम में है, तो ऐसे में उनके खिलाफ इतनी जल्दी कोई आवाज़ उठाना संभव नहीं है, और इसी का इंतज़ार सभी नेता कर रहे थे कि चंपई सोरेन की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान आ जाए उसके बाद वो उनके खिलाफ बोल सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया अब आनी शुरू हो गई है और वो ये कहते हैं कि चंपई सोरेन हो या कोई, जब पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, समुद्र में मछली कितना भी फरफरा ले लेकिन वो समुद्र से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे में चंपई सोरेन के बारे में भी अब कहीं ना कहीं आवाज़ उठने शुरू हुए हैं, लेकिन फिलहाल और नेताओं के स्वर जो हैं अभी नहीं सामने आए हैं क्योंकि चंपई सोरेन का कोई कद जो है पार्टी में छोटा है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो मंत्रिमंडल और विधायकी से है कब तक इस्तीफे पेश किए जाते हैं और बीजेपी का दामन कब थामते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन प्रक्रिया जो है अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि जनता के नाम जब एक भावुक अपील, एक संदेश देने की कोशिश जरूर आप बीती के साथ चंपई सोरेन ने किया है, तो ज़रूर अगला कदम जो है वो किसी राजनीतिक दल की तरफ ही है। बिल्कुल मदन, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि अभी तक यही कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन नहीं छोड़ सकते जेएमएम को, लेकिन अब लगता है जेएमएम की तरफ से भी खुलकर प्रतिक्रिया आएगी या बात रखी जाएगी, क्योंकि अब अभी तक जो कुछ पर्दे के अंदर था वो अब सतह पर आ गया है या स्पष्ट हो गया है।
बिल्कुल, देखिए आज ही की बात है जब जेएमएम के प्रवक्ता ने ये कहा कि बीजेपी डूबती नैया है, उस पर कोई सवार नहीं होना चाहेगा। तो जब यह भावुक संदेश जनता के नाम चंपई सोरेन का आता है तो ये जरूर स्पष्ट एक संदेश मिलता है कि चंपई सोरेन जरूर अपना कदम जो है किसी राजनीतिक दल के तरफ बढ़ा चुके हैं या बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले सारी बातें जनता के बीच इस पत्र के माध्यम से रखने की पुरजोर कोशिश चंपई सोरेन ने की है और अपने उस सफर को, अपने उस दास्तान को बताया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के दो दो कार्यक्रम बड़े तय किए जाते हैं, जिसमें कि पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करना था और दुमका में एक सार्वजनिक कार्यक्रम थे जो दोनों रद्द हुए थे और सबकी निगाहें टिकी थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आपको पता होगा कि जब नियुक्ति पत्र वितरण होने थे तो एक तरह से कहें तो सारी तैयारी विभाग द्वारा कर लिए गए थे, चंपई सोरेन के फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए तमाम कागजात भी तैयार कर लिए गए थे, लेकिन फिर से उसे बदला गया और फिर हेमंत सोरेन ने अपने हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया था। तो इन तमाम चीज़ों को एक तरह से कहें तो दबा करके रखा गया था, लेकिन अब वक्त जब मिला तो चंपई सोरेन उन्हें जनता के बीच ला कर रख दिया है। बिल्कुल मदन, और हम लोग अपनी चर्चा में अक्सर इस बात का उल्लेख करते थे कि उन्हें इस बात से काफ़ी ठेस लगी थी जो अब उन्होंने खुलकर कह दिया कि युवाओं से, छात्रों से, अभ्यर्थियों से उन्होंने वादा किया था कि हम आपको नौकरियां देंगे। पीजीटी अभ्यर्थी भी इसीलिए आंदोलन कर रहे थे, आनन फानन फिर सीएम हेमंत की तरफ से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन उस वक्त सब कुछ तय हो चुका था और दूसरे ही दिन दुमका में कार्यक्रम था। और जिस तरह से वो पत्र में बयां कर रहे हैं कि उन्होंने संगठन के लोगों को ये कहा भी था कि भाई मुझे नियुक्ति पत्र वितरण करने दीजिए, वो पत्र वितरण करने के बाद मैं विधायक दल की बैठक में आ जाऊंगा, तो स्पष्ट है कि वो जनता के सामने ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर किस वजह से उन्हें ठेस लगी और इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल, देखिए किसी भी मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण होना एक बड़ा कार्यक्रम होता है, एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम होता है। ऐसे में चंपई सोरेन ये जरूर चाहते थे कि उनके कार्यकाल में ये पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन सब कुछ तय होने के बाद जेएमएम के जो नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, आपको याद होगा कि राजभवन से जब सरकार बनाने के दावे पेश करके सुप्रियो भट्टाचार्य निकले थे तब वो ये कह रहे थे कि हमारे जो नेता हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, वो अपना अपने हाथों से जो है नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे, लेकिन ठीक थोड़ी देर बाद सब कुछ बदल जाता है, फिर मैसेज आता है कि नहीं, चंपई सोरेन जी नियुक्ति पत्र वितरण नहीं करेंगे, अब जो है सब कुछ रद्द कर दिया गया है, फिर नए सिरे से किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के तो उनको ठेस पहुंचा और वो अब अपने पत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि हमने आग्रह किया था कि हमें नियुक्ति पत्र वितरण करने दिया जाए और फिर दोपहर के वक्त में हम विधायक दल की बैठक में भी शामिल हो जाएंगे, तो सब कुछ उनके मन का नहीं चला और इसी का दर्द जो है वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया, सिर्फ एक तरफ की बातें कही गई, दूसरी तरफ की बातें सुनी नहीं गई। बिल्कुल, और लगता है उन्होंने लंबा इंतज़ार किया है। देखिए वो अब जब तिथि बता रहे हैं कि जुलाई महीने की बात है, तो ये जुलाई अगस्त लगभग डेढ़ महीने उन्होंने इस दर्द को अंदर ही अंदर पिया है या फिर दबा के रखा है। और हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने जो बयान दिया था काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में, काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब तक जो बोझ था वो हट गया, और शायद यही वजह है, लगता है कि उन्होंने 13-14 तारीख को ही अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे दिया है, शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री थोड़े उदास दिखाई दे रहे थे, हम लोग इसकी चर्चा भी कर रहे थे। और अब जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखकर खुलासा किया है, तमाम चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि इतना बड़ा स्टैंड अगर उन्होंने लिया है तो मंत्री पद से इस्तीफा तो पहले ही दिया होगा। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ें जरूर है कि जो चेहरे पर खुशी देखने को मिली थी कल, जिस तरह से उनका रिएक्शन आया था, ये ज़रूर बता रहा था कि टेंशन नहीं है। जो उनके भीतर जो दर्द था, जो एक तरह से पहले की बातें उन्हें परेशान कर रही थी, वो अब जो है ख़त्म हो गया है, उससे वो रिलीज हो चुके हैं। तो ये ज़रूर था कि कल के जो बयान थे, जो एक्सप्रेशन थे चेहरे के, वो बता रहे थे कि उनका दर्द जो है अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि फैसले जो है उन्होंने पहले ही ले लिए। चलिए अब देखने वाली बात होगी मदन, अगर बात की जाए अब उनके आगे के रास्तों की, तो आगे के रास्तों को लेकर लगातार ये कयास लग रहे थे कि कई विधायक इस सूची में शामिल हैं, लेकिन रामदास सोरेन, समीर मोहंती, उनका स्पष्टीकरण भी आया है, और जिस तरह से ये अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि उन्हें
पार्टी को तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो यहाँ पे सवाल कुछ और खड़े होते हैं। लगता है जो सब कोई सोच रहा है वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ थोड़ी देर पहले तक चंपई सोरेन भी कहते थे कि मैं जहाँ था वहीं हूँ, लेकिन राजनीति में सब कुछ अचानक से होता है, तस्वीरें कुछ बदल सी जाती है। जो तस्वीरें अभी यहाँ रखी है, थोड़ी देर बाद वो तस्वीर जो है बदल सकती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अभी जो लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हो सकता है कल वो सीधे जाकर के शामिल भी हो जाए। तो इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में कि राजनीति में सब कुछ संभव है और कभी भी संभव है। तो बिल्कुल, यानी अब राजनीति के टाइगर अब जेएमएम पार्टी छोड़ चुके हैं, ये कहा जा सकता है। उन्होंने चिट्ठी में अपने दर्द को या अपने दिल को चीर कर जनता के सामने रखने का काम किया है। मदन, बिल्कुल, देखिए, अपने दर्द को वो जनता के सामने अपने पत्र के माध्यम से किया है, खुला पत्र से आप कह सकते हैं। सार्वजनिक रूप से इस पत्र को उन्होंने मीडिया में रखा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखा और उस तमाम सवालों के जवाब इस पत्र के माध्यम से दिए जो लोगों के जहन में थे, जो लोग इसके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर चंपे सोरेन की नाराज़गी इतनी क्यों बढ़ी, कि जो लंबे समय से जो एक संघर्ष के साथी रहे, जो अपने इस पार्टी को सींच कर यहाँ तक पहुँचाया, उसको छोड़कर किसी और दल के दामन में जा रहे हैं, उस दल के दामन को थामने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैसला था, कठिन फैसला था, लेकिन इसको भी चंपे सोरेन ने स्वीकार किया। तो ज़रूर ये माना जा रहा था कि दर्द काफ़ी गहरे हैं और इसीलिए ये परिणाम जो है सामने आया है। बिल्कुल मदन, एक सवाल ये भी है कि वो कल यहाँ पर थे, वो यहाँ पर मीडिया से बायोस्कोप के सामने भी कह रहे थे कि अभी वो जमशेदपुर आवास जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो सीधे कोलकाता जाते हैं। तो ये भी एक सवाल है जनता के सामने, हो सकता है आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में वो ये बात भी रखें कि कोलकाता क्यों गए, कोलकाता होते हुए वो सड़क मार्ग से दिल्ली पहुँचे हैं, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। और जनता को भी इंतज़ार होगा कि ये तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में वो सामने लाएँ। बिल्कुल, देखिए, ये तो तय था कि जब वो कल शाम को रांची में थे और दिल्ली ही जाना था निजी काम से, तो वो दिल्ली रांची से भी जा सकते थे, लेकिन रास्ता क्यों तय किया गया? रास्ता बदले यानी कि दल बदलने की तैयारी थी और इसीलिए लोग कयास लगा रहे थे कि कोलकाता होते हुए दिल्ली जाना बड़ा सवाल है और इसीलिए सबकी निगाहें टिकी थी। और कोलकाता से जब दिल्ली पहुँचे तब मीडियाकर्मी ने उनसे वहाँ पर भी बातचीत की और सीधे तौर पर जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि कोलकाता से होकर कि आपको दिल्ली पहुंचना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि इमरजेंसी कभी भी होती है और आना जरूरी था, इसलिए कोलकाता होकर ही आया। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में तमाम वो चीज़ें होती है जो आप सोचते नहीं हैं, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बिल्कुल मदन, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ इसके बाद प्रतिक्रिया सामने आती है। हमें भी इंतज़ार रहेगा कि अब जेएमएम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये सबसे अहम सवाल होगा। क्योंकि देखिए, हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार चुप्पी साधी हुई है और उनके प्रवक्ता भी, आप लोग बार बार प्रवक्ताओं से पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें अंतिम क्षणों तक ये उम्मीद लग रही थी कि चंपई सोरेन ऐसा स्टेप नहीं लेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये बात ज़रूर है कि जेएमएम की तरफ से हमने पहले भी कहा कि जिस तरह से झारखंड में चंपे सोरेन का अपना राजनीतिक में अलग कद है और ख़ास करके अब अगर जेएमएम में देखें तो उनसे बड़ा नेता जो है फिलहाल नहीं है, उनसे दो तीन नेता और हैं जो उनके बराबर के होंगे, हो सकता है कुछ बड़े हो कुछ छोटे हो, जैसे कि स्टीफन मरांडी हैं, फिर नलिन सोरेन हैं या फिर लोबिन हेम्ब्रम हैं, ये जो मथुरा महतो हैं, ये सब जो नेता हैं कुछ उनके बराबर हो सकते हैं, लेकिन उनसे बड़ा नेता जो है फिलहाल हम कह सकते हैं कि जेएमएम में देखने को तो नहीं मिलता। अगर पीछे के तौर पर पीछे से अगर कोई समर्थन मिलता हो तो वो हो सकता है, लेकिन गुरुजी के साथ आंदोलन करने वाले नेता चंपई सोरेन लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटे रहे, हर वो फैसले मानते रहे जो पार्टी के द्वारा दिया गया, सुनाया गया, या फिर एक तरह से कहे तो जो सरकार की तरफ से भी फैसले दिए गए उसको उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन अब वो दर्द सामने आया कि आखिर उस फैसले को स्वीकार करने में कितना कठिनाइयां हुई, कितने आंसुओं को उन्होंने सहा है। तो ये चीज़ें जब अब पब्लिक डोमेन में आया है तब जाकर के चीज़ें खुलकर सामने आए। और उन्होंने लिखा है पत्र में कि आज जो मीडिया में चल रहा है, जो मीडिया में आप देख रहे हैं, ऐसे में आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, उस तमाम सवालों के जवाब जो है इसी पत्र के माध्यम
माध्यम से आपको मिल जाएंगे। मदन, एक सवाल और उठ रहा है कि लॉबिन हेम्ब्रम से कल उनकी मुलाकात हुई थी और लॉबिन हेम्ब्रम से मिलने के बाद ही वो अपनी गाड़ी पे बैठे थे और तभी मीडिया से बातचीत भी की थी और ये कहा था कि जमशेदपुर जा रहे हैं। लॉबिन हेम्ब्रम कहाँ है, उनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, लॉबिन हेम्ब्रम पहले ही रास्ता तय कर चुके हैं। जरूर है कि अब एक साथ ही वो सदस्यता ग्रहण करते हैं या फिर अलग अलग करते हैं। लॉबिन हेम्ब्रम से जब कल हमारे सहयोगी ने बातचीत करने की कोशिश की थी तब उन्होंने खुलकर कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि अब मैं बीजेपी में जाऊं, लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये आपको सोचना और समझना होगा। हमें बार बार अपमानित करने की कोशिश की गई, जबरन पार्टी से निकालने की कोशिश की गई, जबरन हमारी सदस्यता ली गई, तो अब बचा क्या है जो मैं उस पार्टी में रहूँ। गुरु जी के संघर्षों को वो भी याद करते हैं, गुरु जी के अपने आप को आशीर्वाद जो उन्हें मिलता रहा उसको वो बताते हैं कि किस तरह से गुरु जी का आशीर्वाद मिला लेकिन उसे भी नज़रअंदाज किया गया। तो ये ज़रूर है कि जेएमएम में अगर आप देखें तो ये जो आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ है वो सीता सोरेन से लेकर लॉबिन हेम्ब्रम, अब लॉबिन हेम्ब्रम से लेकर के अब चंपे सोरेन तक पहुंचा है, तो और अब कितने लोग खुलकर सामने आते हैं इसका भी बीजेपी इंतज़ार कर रही है कि आखिर और कौन कौन अपने गमों को छुपा कर रखा है और उसे कब तक सामने लाता है। बिल्कुल, और मदन, अगर देखा जाए तो चमरा लिंडा का नाम भी सामने आ रहा है, हालांकि जेएमएम ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं समीर मोहंती काफ़ी करीबी माने जाते हैं चंपई सोरेन के, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और देखिए, रामदास सोरेन की तरफ से तो स्पष्टीकरण आया है, लेकिन कुछ लोग हैं, अब कहा जा सकता है कि लॉबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा, समीर मोहंती, ऐसे कई विधायक हैं जो हो सकता है कि एक दो दिनों में चंपई सोरेन लॉबिन हेम्ब्रम के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लें, या फिर ये भी संभावना बनती है जिस तरह से इन्होंने अंत में लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अलग रास्ते के बारे में भी सोच रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, जब रास्ते अलग होने शुरू होते हैं तो कई रास्ते मिलते भी हैं, कई रास्ते जुड़ते भी हैं और कई रास्ते बनते भी हैं। तो अब जब सिलसिला शुरू होता है, पार्टी में टूट के ही सिलसिला शुरू हो, तो फिर कई लोग टूटने लगते हैं और अगर जुटने लगते हैं तो कई लोग दूसरे दल से भी आते हैं। तो अभी जो दौर चल रहा है वो जेएमएम में टूट का है। अब देखना होगा, अभी जो लोग दावे कर रहे हैं कि 100 करोड़ भी दे दे तब भी नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊँगा, ऐसे कई तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन वो कितने देर तक टिकते हैं? क्या चंपई सोरेन के बारे में कभी कोई सोच सकता था कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं या फिर जेएमएम से अलग राह इख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि जब से लोग देख रहे हैं तो वो जेएमएम के लिए ही झंडा ढोते हुए नजर आए, जेएमएम के लिए ही काम करते नजर आए, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी बनी है कि हमारे पास 3 विकल्प थे, उस 3 विकल्प में से मुझे एक को चुनना था, या तो मैं संन्यास लेता, या तो मैं एक पार्टी खड़ा करता, या फिर उन लोगों के साथ जाता जो मेरे इस रास्ते में साथ होते। तो अब देखना होगा कि और कितने लोग अलग होते हैं, या फिर जो लोग ये कहते हैं कि मैं कभी भी दूसरे दल में नहीं जा सकता तो सच में वो जेएमएम के साथ ही रहते हैं। मदन, 2005 से लगातार वो अजय रहे हैं, टाइगर रहे हैं पूरे कोल्हान इलाके के, ऐसे में अगर वो छोड़कर जाते हैं, और देखिए अभी जो चाईबासा लोकसभा में जो जीत हुई जोबा मांझी की, उसके लिए भी ये माना जाता है कि चंपई सोरेन की बड़ी भूमिका रही है, उनका विधानसभा क्षेत्र भी उसी में आता है, तो कहीं ना कहीं जीत का क्रेडिट चाईबासा में फिर जोबा मांझी को बड़ी जीत दिलाने का उन्हें जाता है। तो अगर इसका आकलन किया जाए कितना नुकसान पहुँचेगा जेएमएम को, क्योंकि संथाल से देखिए लॉबिन भी अगर जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आते हैं तो जेएमएम को कितना नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी देखिए, एक चीज़ तो ज़रूर है कि अगर ये दो नेता जेएमएम में छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो एक कुछ ना कुछ आदिवासी वोट जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं बीजेपी के पक्ष में। फिलहाल जो ये माना जा रहा था कि पूरी तरह से आदिवासी वोट जो है बीजेपी से खिसक चुकी है, उनके पक्ष में नहीं है, ऐसे में इसमें एक संभावना ज़रूर बनती है, क्योंकि 14 के 14 सीट जो कोल्हान में हैं उस पर अगर कुछ पर भी चंपे सोरेन के प्रभुत्व हैं, वहाँ पर उनकी पकड़ है, तो उसको वो बीजेपी में अगर शिफ्ट कराते हैं तो एक मजबूत स्थिति मिल सकती है। और जो लगातार ये कहा जा रहा था कि सत्ता की चाबी जो है वो संताल से होकर गुजरती है, तो क्या इस बार की सत्ता की चाबी जो है वो कोल्हान से होकर गुजरेगी? अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है, तो अब देखना होगा कि एक बड़ा चेहरा आदिवासी का, एक कोल्हान का टाइगर जिसे कहा जाता है चंपई सोरेन, वो अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो चंपई सोरेन के माध्यम से कोल्हान के कितने सीटों पर बीजेपी असर डाल पाती है आने वाला वक्त बताएगा। लॉबिन अगर कहे तो उनके माध्यम से किस तरह से संताल में बीजेपी आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में कर पाती है ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इसका सियासी असर दिखाई देता है, लेकिन अब इंतजार जेएमएम की प्रतिक्रिया का है। सीएम हेमंत सोरेन आज भी पाकुड़ में मैया योजना की पहली किश्त जारी कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उन्हें ये झटका लगा है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा भी है कि भाई कभी मुझे जेल भिजवा देते हैं, कभी हमारे मंत्रियों को विधायकों को तोड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जेएमएम की तरफ से लगता है सीएम हेमंत ने जो कहा है कि हमारे मंत्रियों विधायकों को तोड़ लेते हैं, तो एक बार फिर वही बयान सामने आएगा और कहीं ना कहीं इसे ये दिखाने की कोशिश होगी। तो लगता है बयानों का सिलसिला इसे लेकर और तेज होगा। मदन, बिल्कुल, देखिए वार पलटवार तो होंगे, जरूर है कि जिस तरह से बीजेपी में अगर नेताओं के शामिल होने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर ये हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर तीखे हमले होंगे। अब तक जो बीच में कुछ एक तरह से कहें तो वार जो है वो थम सा गया था, उतने नहीं हो रहे थे, अब सीधे खुलकर मुकाबला होगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी पर ये आरोप लगता रहा है कि पहले जनता अगर उन्हें विश्वास में नहीं आती है तो फिर वो अपने केंद्रीय संस्थाओं को लगाती है सरकार को अस्थिर करने में, उससे नहीं सकती है तो फिर विधायक और मंत्रियों को तोड़ने में लगती है और फिर अब पार्टी को भी एक विलय कराने में जुट जाती है। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी पर विपक्ष के, ये सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार लगते रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस उलटफेर के बाद अब जुबानी जंग कितनी तेज होती है, हमला कितना तेज होता है। तो बिल्कुल, फिलहाल मदन आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक झारखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल इसे कहा जा सकता है, और इसलिए भूचाल कहा जा रहा है क्योंकि चंपई सोरेन जेएमएम के पुराने वफादारों में से एक रहे हैं, सोरेन परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं, और जब हेमंत सोरेन ने जेल जाने की नौबत आई तो कुर्सी उन्हें सौंपी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सीधे सीधे इस पत्र में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्हें हटाया गया उस बात से वो आहत हुए और रास्ता अलग करने को मजबूर हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनके साथ कई और विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं, क्या कुछ होता है, इसके लिए हमें भी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।